चैप्टर टू हम पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को देखा था, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस देखी थी और क्लासिफिकेशन को हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। और क्लासिफिकेशन के अंदर हमने मोनोसैकेराइड्स के चेन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और हमने देखा कि मोनोसैकेराइड्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि मोनोसैकेराइड्स जो थे हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, इनके रिंग स्ट्रक्चर से हमने कंटिन्यू करना है और हमने देखना है कि मोनोसैकेराइड्स का रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली उस वक्त बनता है जब भी हमारे पास जो शुगर्स हैं मोनोसैकेराइड्स वो वाटर के अंदर या फिर किसी भी सॉल्यूशन के फॉर्म में पाए जाए और उसका रिंग इस तरह से बनता है। जैसे कि हमने अभी अपने लास्ट लेक्चर में राइबोस का स्ट्रक्चर देखा था, तो राइबोस में बेसिकली था क्या, राइबोस जो है, राइबोस वो एक 5 कार्बन शुगर है और राइबोस का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता है कि राइबोस के 5 कॉर्नर्स बनते हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास हम इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे OH ग्रुप है एंड यहाँ पे H ग्रुप, इसी तरह इस कार्बन के साथ यहाँ H और OH ग्रुप, इस कार्बन के साथ H OH ग्रुप, इसी तरह ये जो हमारे पास कार्बन है इसके साथ यहाँ पे H और यहाँ पे एक और कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर बना है राइबोस का, जिसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोस। राइबोफ्यूरानोस क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोस का ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना है हमारे पास। इसी तरह जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास 6 कॉर्नर्ड रिंग बनता है, जिसके अंदर इसको हम इस तरह से बनाते हैं, कार्बन देन ऑक्सीजन, अगेन कार्बन 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 यहाँ और ये, इस तरह से हमारे पास 5 कार्बन यहाँ बन गए और एक और कार्बन हम इस तरह बनाते हैं H2 एंड OH। यहाँ से हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ कार्बन, और इसी तरह इनके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं, हाइड्रोजन देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, इनको हम किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे कार्बन्स के साथ 4 बॉन्ड्स बन रही हैं और यही हमने शुरू में कार्बन के स्ट्रक्चर में देखा था कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है और ये हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो रिंग फॉर्म में बन गया। और रिंग फॉर्म में जब भी हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो हम उसको कहते हैं ग्लूको पायरानोस, पायरानोस, या फिर हम इसको डी ग्लूकोज भी कहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि राइबोस या फिर हमारे पास ग्लूकोज रिंग फॉर्म में किस तरह से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोनोसैकेराइड नेचर में किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। मोनोसैकेराइड की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं, जैसे कि हमने ग्लूकोज का स्टडी किया तो ग्लूकोज जो है वो तकरीबन तमाम के तमाम फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप्स के अंदर है या फिर हम कहते हैं फिग्स है, डेट्स हैं, जितने भी मीठे फ्रूट्स हैं हमारे पास उन तमाम के तमाम फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो पाया जाता है। हमारे जो ब्लड है ब्लड के अंदर हम कहते हैं कि 0.08% जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। जब भी ये कंबाइंड फॉर्म में होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की कंबाइंड फॉर्म को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज जो है वो
डाइसेकेराइड्स, और इसके साथ साथ मजीद जो है वो पॉलीसेकेराइड्स जितने भी बनते हैं, ग्लूकोज उनका मेन सब यूनिट होता है। यानी कि हम पॉलीसेकेराइड्स को, यानी ढेर सारे जो कार्बन के हमारे पास स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हम उनको तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी हम वाटर मॉलिक्यूल की मदद से इनको तोड़ते हैं, तो होता क्या है कि हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। ग्लूकोज के बारे में हमने कहा था कि प्लांट जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसके अंदर होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस रिएक्शन को हम लिखते हैं, हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंबाइन करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट से हमारे पास एनर्जी आ रही होती है, तो ये लाइट एनर्जी बेसिकली यूज होती है, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो इसके लिए यूजफुल होता है। तो हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, और इसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर दें तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस होगी, और यही हमारे पास इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। और फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि लाइट एनर्जी यूज हो रही है, और यही लाइट एनर्जी जो है वो बेसिकली ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर सेव हो जाती है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स को देखें तो हम कहते हैं कि ऑन अप्रोक्सीमेटली, अगर हमें 10 ग्राम ग्लूकोज चाहिए, तो इस 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए सूरज की 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, वो हमें चाहिए होगी। और यही वो एनर्जी है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सेव हो जाती है, वो प्लांट्स को जब चाहिए हो तो प्लांट्स अपने इस्तेमाल के लिए उसे यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह जब यही एनर्जी एनिमल्स को चाहिए, तो यही जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इनका इंटेक करते हैं, वो इनको खा लेते हैं, और वही ये और यही एनर्जी उनके बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तो बेसिकली एनर्जी मिलती कैसे है, एनर्जी इस तरह से मिलती है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि कार्बोहाइड्रेट से आता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज होने से हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी हम फिर यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट की सेकंड टाइप के ऊपर, और वो है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि ओलिगोसेकेराइड में होता क्या है, ये किस तरह से डिफरेंट है मोनोसेकेराइड से। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अपने मोनोसेकेराइड में देखा था, ओलिगोसेकेराइड जो है वो लेस स्वीट इन टेस्ट। ओलिगोसेकेराइड टेस्ट में या जायके में मोनोसेकेराइड की निस्बत थोड़े कम मीठे होते हैं। इसी तरह हमने एक कैरेक्टरिस्टिक मोनोसेकेराइड का ये देखा था कि मोनोसेकेराइड जो है वो वाटर में सुलुबल होते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड जो है ये लेस सुलुबल है, यानी मोनोसेकेराइड के निस्बत ये पानी में कम सुलुबल है। इसी तरह जब हमने मोनोसेकेराइड की बात की थी, हमने कहा था कि 3 से लेके 7 कार्बन को जब हम इकट्ठा करें उनके मॉलिक्यूल्स को, तो हमारे पास मोनोसेकेराइड बनते हैं। जबकि अगर हम 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड्स को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स बन जाते हैं, और इन ओलिगोसेकेराइड्स से हम दोबारा मोनोसेकेराइड्स भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास 2 मोनोसेकेराइड हो, यानी कि हम कहते हैं एक ये मोनोसेकेराइड का यूनिट है हमारे पास, एक और मोनोसेकेराइड का यूनिट है,
और ये दोनों अगर कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक जो नया मॉलिक्यूल बन रहा है वो डाइसैकेराइड है। इसी तरह अगर हमारे पास तीन मोनोसैकेराइड यूनिट्स इकट्ठे हो जाएं, ये भी मोनोसैकेराइड, ये भी मोनोसैकेराइड, ये भी मोनोसैकेराइड, तो इन तीन के इकट्ठे होने से जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कहेंगे ट्राइसैकेराइड। और इसी ट्राइसैकेराइड को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वापस तीन मोनोसैकेराइड आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है ओलिगोसैकेराइड का। ओलिगोसैकेराइड के स्ट्रक्चर को मजीद हम डिटेल में देखते हैं अपनी इस डायग्राम के थ्रू। एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे हमने मोनोसैकेराइड की डायग्राम बनाई थी, उसके स्ट्रक्चर बनाया था तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आया था। अगर फॉर एग्जाम्पल यही जो हमने पीछे मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल में देखा था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को, हम उसी को दोबारा बना लेते हैं। ग्लूकोज को हम बनाते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर हमने ऐसे देखा था कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास 6 कार्बन थे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था हमारे पास। तो ये हमारे पास ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज में हमने देखा था कि 6 कार्बन है और कुछ कार्बन इस तरह से अरेंज हैं कि हर कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोक्साइड ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, इस तरह से। और इसकी जो काउंटिंग है वो हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कार्बन, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बना ग्लूकोज। इसके साथ हम अगर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखें, फ्रुक्टोज को हमने देखा था कि फ्रुक्टोज जो है वो 5 कार्बन शुगर है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, इसके साथ ये, तो कुछ ऐसा हमारे पास ये बन गया। हमारे पास क्या बना, ये बना फ्रुक्टोज। अब ये दोनों क्या है, ये भी मोनोसैकेराइड है और ये भी मोनोसैकेराइड है। जब हमने कहा दो मोनोसैकेराइड्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल बनता है। और वो दोनों कंबाइन किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से कंबाइन करते हैं कि जैसे यहाँ है हमारे पास ग्लूकोज, इसकी काउंटिंग हमने आपको बताई 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो हमारे पास फ्रुक्टोज है उसकी काउंटिंग कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। कलर चेंज करके देखते हैं जी, तो ये हमारे पास काउंटिंग आ गई। अब होता क्या है, होता ये है कि इन दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और एक डाइसैकेराइड बन जाता है। वो कैसे बनता है, वो इस तरह से बनता है कि यहाँ फ्रुक्टोज में से अगर हम ये हाइड्रोजन अलग कर लें और ग्लूकोज में से यहाँ से हम अगर ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप को अलग कर लें तो हमारे पास यहां बन गया वाटर। और जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें होगा क्या कि ये एक बॉन्ड बन जाएगी, इस वाले कार्बन से ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इसको हम दोबारा नीट करके बना लेते हैं तो होगा कुछ इस तरह से। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। और इसमें हुआ क्या कि दो मोनोसैकेराइड्स थे हमारे पास, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, ये दोनों कंबाइन हुए, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया और जो नया स्ट्रक्चर हमारे पास बना वो कुछ इस तरह का बना कि उसके अंदर से एक ऑक्सीजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ। ये जो लिंकेज है, जो न्यू बॉन्ड बनी है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोजिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोजिडिक लिंकेज भी हम इसे कहते हैं। और ये जो न्यू मॉलिक्यूल हमारे पास बना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कंबाइन करने से, इसे हम कहते हैं 1-डाइसैकेराइड या फिर इन नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के अंदर हम इसे सुक्रोज भी
कहते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये हमारे पास नॉर्मल चीनी जिसे हम कहते हैं अपने घर में जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं जो गन्ने से शुगर केन से जो हमारे पास आती है कॉमन शुगर सुक्रोज, ये उसका फॉर्मूला है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक दो मोनोसेकेराइड के कंबाइन करने से हमारे पास किस तरह से एक डाइसेकेराइड बन गया है। और ये जो डाइसेकेराइड है ये बेसिकली ओलिगोसेकेराइड है, क्योंकि हमने कहा कि जब भी दो से लेके टू से टेन मोनोसेकेराइड कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक ओलिगोसेकेराइड का यूनिट या एक ओलिगोसेकेराइड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नई टाइप थी वो थी पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स के भी शुरू में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये मोनोसेकेराइड से या ओलिगोसेकेराइड से किस तरह से डिफरेंट है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में कि वो टेस्ट में मीठे होते हैं। पॉलीसेकेराइड जो है इनका कोई टेस्ट नहीं होता, नो टेस्ट, या आप कह लें कि नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में मीठे बिल्कुल भी नहीं होते। इसी तरह जब हम सोलुबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड है स्पेरिंगली सोलुबल, स्पेरिंगली का मतलब है कि बहुत कम सोलुबल है, इनकी सोलुबिलिटी की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। पॉलीसेकेराइड की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेवरल या मैनी मोनोसेकेराइड जो है वो जब कंबाइन करते हैं अपनी ग्लाइकोजिटिक बॉन्ड के साथ तो हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनते हैं। पॉलीसेकेराइड की कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाते हैं स्टार्च पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल है, इसी तरह ग्लाइकोजन जो कि एनिमल्स में हमारे जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, सेल्यूलोस जिनसे प्लांट की जो सेल वॉल है सेल्यूलोस से मिलकर बनी हुई है ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, इसी तरह डेक्सट्रिन है हमारे पास, एगर, पेक्टिन, काइटिन, लिग्निन, ये कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि सबके सब पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल हैं। और मोस्टली जो है या तो वो फूड को स्टोर कर रही हैं या फिर वो कोई मेम्ब्रेन्स बना रही हैं। पॉलीसेकेराइड को जैसे हमने कहा कि बहुत सारे हमारे पास मैनी या सेवरल मोनोसेकेराइड्स कंबाइन हुए हुए होते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि दे हैव हाई मोलिक्यूलर वेट, इनका जो मोलिक्यूलर वेट है वो ज्यादा होता है, दे हैव हाई मोलिक्यूलर वेट। अगर इसके हम स्ट्रक्चर को देखने लगे तो डिटेल स्ट्रक्चर हम इसका नहीं बना रहे, आपको जस्ट एक नो हाउ देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनता किस तरह से है। पॉलीसेकेराइड जो है वो हमारे पास ब्रांचेस में होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये हमने एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया है और इससे हम समझ सकते हैं कि ग्लूकोज इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से ढेर सारे मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड बनता है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक चेन बन रही है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये इसी तरह से आगे कंबाइन होके चलती रहेगी। और इस चेन स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये देखिए, जैसे अब यहाँ पे एक ग्लाइकोजिटिक बॉन्डेज है, इसी तरह ये वाली जो बॉन्ड है हमारे पास ग्लाइकोजिटिक बॉन्ड है, इसी तरह ये बॉन्ड जो कि आगे कंटिन्यू हो रही है ये बॉन्ड, तो हमारे पास इस तरह से ढेर सारे यूनिट्स जो है मोनोसेकेराइड्स के वो कंबाइन करते हैं और ये ऐसे सोन चलती रहेगी आगे ग्लाइकोजिटिक बॉन्डेज के थ्रू, ढेर सारे हमारे पास मोनोसेकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीसेकेराइड यूनिट बन जाता है। तो ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर को देख लिया, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, हमने कहा कि स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल है। स्टार्च की कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें, स्टार्च कहाँ पाया जाता है, स्टार्च को हम कहते हैं कि दे आर फाउंड इन फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है,
इसी तरह ग्रेन्स, सीड्स, बीज जो हैं उनके अंदर हमारे पास रूट ट्यूबर्स वगैरह के अंदर स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च जो है इनको हम कहते हैं कि दे आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के जो मेन सोर्स है वो स्टार्च है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के अगर हम एक स्टार्च मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करें, यानी कि हम इसके हाइड्रोलिसिस कहते किसे हैं, हाइड्रोलिसिस हमने पहले भी डिस्कस किया, हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम तोड़ दें पानी के मॉलिक्यूल के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस है। तो स्टार्च के जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है। स्टार्च की भी जब हम टाइप्स डिस्कस करते हैं, हमारे पास स्टार्च की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक को हम कहते हैं अमाइलोज और जो सेकेंड टाइप है वो है हमारे पास अमाइलो पेक्टिन। ये कुछ नाम थोड़ी डिफिकल्ट से हैं, लेकिन अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो हमारे लिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मजीद आप इसको अपने केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। अमाइलोज जो है, अमाइलोज को हम कहते हैं कि ये अनब्रांच्ड है। अमाइलोज ये अनब्रांच चेन होती है हमारे पास, और ये अनब्रांच चेन जो है ये सिर्फ हॉट वाटर के अंदर सुलेबल है, सुलेबल जी। और जब हम अमाइलो पेक्टिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं अमाइलो पेक्टिन। अमाइलो पेक्टिन जो है ये हमारे पास ब्रांच चेन्स होती हैं, और ये ब्रांच चेन जो है वो सोलबल है हॉट वाटर में भी और कोल्ड वाटर में भी, गर्म पानी में भी और ठंडे पानी दोनों के अंदर ये सोलबल है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि पॉलीसेकेराइड जो है वो स्पेरिंगली सोलबल है, पानी के अंदर इतने अच्छी तरह से सोलबल नहीं हो सकती, लेकिन स्टार्च जो है उस स्टार्च के अंदर जो अमाइलो पेक्टिन है ये गर्म और ठंडे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। स्टार्च को जब हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर तो हम कहते हैं कि जो स्टार्च है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी चीज के अंदर स्टार्च है या नहीं, उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। और आयोडीन टेस्ट में होता यह है कि जो भी चीज जिसे हमने टेस्ट करना हो कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं, हम उसके अंदर आयोडीन डाल देते हैं, और जो आयोडीन का कलर है, अगर आयोडीन का कलर हमारे पास ब्लू आ जाए तो हम कहते हैं कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये तो स्टार्च के बारे में कह दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीसेकेराइड्स की, वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है उसे हम कहते हैं एनिमल स्टार्च भी इसको कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर या जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जब भी हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और वही ग्लूकोज बाद में जब जब हमें चाहिए होती है हम उसको उसमें से एनर्जी यूज करते रहते हैं। जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा बच जाती है, या फिर आप कह लें कि जितनी भी फूड एक्स्ट्रा हमारे बॉडी के अंदर होती है जो यूटिलाइज नहीं होती उस वक्त, वो टेम्परेरली ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है। और जब जब हमें फूड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो यही ग्लाइकोजन दोबारा टूटते हैं और हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो बेसिकली एनिमल्स के अंदर फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यह हमारे लिवर के अंदर और हमारे मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर हो जाती है, ये लिवर सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर,
और यही फूड जब भी हमें दोबारा चाहिए होते हैं, यही ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल मजीद फिर हमें एनर्जी देते हैं। ग्लाइकोजन की जब हम सोलबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्लाइकोजेंस आर नॉन सोलबल, ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। और ग्लाइकोजन की कुछ और प्रॉपर्टीज, अगर फॉर एग्जांपल हम ग्लाइकोजन का टेस्ट करते हैं जब भी लैब में, आयोडीन टेस्ट जो है, तो उससे हमारे पास रेड कलर आता है, यानी कि ग्लाइकोजेंस जो है अगर उनके अंदर आयोडीन को हम डालें तो हमारे पास रेड कलर आएगा। और रेड कलर हमें ये बताता है कि जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब हम इनको तोड़ते हैं, तो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्योंकि मोनोसैकेराइड है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि इन मोनोसैकेराइड्स के टूटने से हमारे पास एनर्जी आती है। एक और सेल्यूलोज हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो कि हमने आपको बताया कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है या कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। सेल्यूलोज को थोड़ा सा हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। सेल्यूलोज के बारे में कहा जाता है कि दे आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो चीज है वो कार्बोहाइड्रेट्स में सेल्यूलोज है। अगर हम कॉटन की बात करें या फिर हम प्लांट्स की बात करें, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है इनके अंदर सेल्यूलोज पाए जाएंगे। सेल्यूलोज में भी इसी तरह, जब भी हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मजीद एनर्जी भी आ सकती है। सेल्यूलोज जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकते, इसको हम कहते हैं कि दे आर नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जिस तरह से हम कुछ एनिमल्स को देखते हैं, वो पौधों को खाते हैं और उन्हीं पौधों से उन्हें एनर्जी मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने भी हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स जो हैं वो क्योंकि पौधे उनकी खुराक है, वो पौधों को खाते हैं, तो हर्बीवोर्स के अंदर कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है या यीस्ट होता है उनके अंदर, या कुछ प्रोटोजोआस होते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में इन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकते। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फायदा क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली करते क्या है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने अभी आपको बताया ये करते क्या है, ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं सेल्यूलेज। ये सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो इन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, और इन रिटर्न होता क्या है कि वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो उनके बॉडी के अंदर इजिली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। सेल्यूलोज का जब हम लैब में, लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि आयोडीन टेस्ट अगर हम करें सेल्यूलोज का, तो आयोडीन का जो कलर है हम कहते हैं नो कलर, हमारे पास कोई कलर नहीं आता अगर हम सेल्यूलोज को टेस्ट करते हैं। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अपने पूरे कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक के अंदर, जो कि हमारे पिछले लेक्चर और ये लेक्चर दोनों मिला के हमारे पास ये टॉपिक बनता है। सबसे पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा, हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर, कितनी परसेंटेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स की वो प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ हमने मॉलिक्यूल के रेशियो को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी कार्बोहाइड्रेट की। क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स की तीन मेन टाइप्स हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। और ये जो टाइप्स हैं या ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है, ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर की है, और उनका ये स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट है इसको पढ़ने के लिए हमने एक एक को डिटेल में देखा। मोनोसैकेराइड्स की जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, हमने कहा कि मोनोसैकेराइड जो है वो टेस्ट में मीठे होते हैं, ये सिंपल शुगर
फाइबर्स हैं वाटर के अंदर सोलबल हैं और इनको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इनके अंदर हमने कहा था कि 3 से लेके 7 जो है वो कार्बन के यूनिट्स हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स के बारे में या कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या हम इनको कीटोन्स भी कहते हैं। और हम क्यों कहते हैं इनको ऐसा, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कहा कि ये एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप से मिलकर बने हैं। एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को हमने डिटेल में स्ट्रक्चर को हमने आपको बताया, फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखी मोनोसैकेराइड्स की, और फिर उसके बाद हमने मोनोसैकेराइड्स के चेन्स को स्टडी किया। हमने कहा जैसे ये हमारे पास राइबोस शुगर है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इनकी जो चेन स्ट्रक्चर है इसको हमने देखा। उसके बाद हमने इसके रिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, कुछ इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया। राइबोस है, ये हमारे पास ग्लूकोज है। और उसके बाद फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंस देखी मोनोसैकेराइड्स की, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टाइप थी ओलिगोसैकेराइड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि ये टेस्ट में लेस स्वीट है एज कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड्स। ये पानी के अंदर इतने अच्छे डिजोल्व नहीं होते, लेस सोलबल है। और इनके अंदर होता क्या है कि 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। एग्जांपल में हमने आपको इस तरह से बताया कि अगर हमारे पास दो मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो तो हमारे पास डाइसैकेराइड बन जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास 3 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो तो ट्राइसैकेराइड बन जाता है। और यही चेन चलती रहेगी कब तक, जब तक हमारे पास 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स पूरे नहीं हो जाते। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल जो है, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल में हम कहते हैं कि हमारे पास सुक्रोज जो है वो मोनोसैकेराइड की एग्जांपल है। इसी तरह माल्टोज मोनोसैकेराइड की एग्जांपल है। लैक्टोज जो हमारे पास दूध के अंदर, मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसे हम कहते हैं लैक्टोज। ये भी हम आपको ओलिगोसैकेराइड की एग्जांपल बता रहे हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सब ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, डाइसैकेराइड्स हैं ये तीनों। इसके बाद हमने आपको ये स्ट्रक्चर बताए, हमने आपको बताया कि किस तरह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स दोनों कंबाइन करते हैं, दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, और ये किस तरह से कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक डाइसैकेराइड यूनिट या एक ओलिगोसैकेराइड बन जाता है। उसके बाद हमने पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस किया। हमने बताया कि पॉलीसैकेराइड्स के जो टेस्ट है ये इनका कोई टेस्ट नहीं होता। पानी के अंदर जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि डिसॉल्व होते हैं, अदरवाइज ये पानी के अंदर नॉन सोलबल है, या हम कहते हैं स्पेरिंगली सोलबल है, बहुत कम सोलबल है। बहुत सारे जब हमने कहा कि मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं, कुछ एग्जांपल्स को हमने देखा। और फिर उन्हीं एग्जांपल्स को हमने डिटेल में स्टडी किया, हमने कहा कि किस किस तरह से, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की क्या क्या यूजेज। हमने कहा कि स्टार्च जो है वो फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन, सीड्स, ट्यूबर्स वगैरह के अंदर पाया जाता है। स्टार्च की मजीद 2 टाइप्स हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने ग्लाइकोजन को देखा, ग्लाइकोजन के अंदर फिर हमने कहा कि ग्लाइकोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, आयोडीन टेस्ट से हमारे पास रेड कलर आता है, ग्लाइकोजन के टूटने से, ब्रेकडाउन से ग्लूकोज आता है। और ये ग्लाइकोजन बेसिकली है क्या, ये एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। उसके बाद हमने सेलुलोज को देखा, सेलुलोज के बारे में हमने कहा कि दे आर द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, ये अबंडेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अर्थ, प्रेजेंट ऑन अर्थ। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा, हमने कहा कॉटन जो है वो सेलुलोज से मिलकर बने, इसी तरह प्लांट्स जो है, प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज के टूटने से भी हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। सेलुलोज हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिसॉल्व, डाइजेस्ट नहीं हो सकते, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो उनके अंदर जो, जैसे हमारे पास डिफरेंट तरह के हर्बीवोर्स आ जाते हैं, हर्बीवोर्स के अंदर जो है सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, बिकॉज उनके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोन्स होते हैं, और वो सेलुलेज एंजाइम रिलीज करते हैं जिसके थ्रू सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाते हैं। और जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं सेलुलोज का तो हमारे पास कोई कलर नहीं आता। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लिपिड्स को स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।